हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 14th पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन अब जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? व्हेन अ रेज ऑफ लाइट इंटर फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब कोई एक रे ऑफ लाइट है जो इंटर करता है कहां से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तब उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए है, द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, जो लाइट रे है वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगा, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, या वेव लेंथ डिक्रीज कर जाएगा। सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या ले लिया कि ये हमारा क्या है, नॉर्मल। हमारा एक क्या बोलते हैं कि हमें एक क्या देखने को मिल रहा है कि अरे भाई क्या बोलते हैं इसको, मतलब एक स्पेस देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक प्लेन हमने बना लिया है। ये हमारा है क्या, ये हमारा है नॉर्मल। क्या है ये हमारा नॉर्मल है, 90 डिग्री बनाएगा, अच्छा सपोज कर लियो, ठीक है। ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा कौन सा, डेंसर से रेयर में जा रहा है ना, बिल्कुल, लाइट इंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर है ना, यानी कि ये हमारा हो गया डेंसर जहां से लाइट आ रहा है, और ये हो गया हमारा कौन सा, रेयरर, ये पार्ट हो गया क्या, रेयरर, ठीक है। वो ऊपर वाला डेंसर, नीचे वाला रेयरर, यहां पर जो एंगल बनाता है, इस एंगल को क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये इधर चला जाता है ना, और इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। यानी कि अगर हमारा डेंसर से रेयरर आता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाता है, ठीक है, ये आप याद रखो। और उसके जस्ट अपोजिट क्या होता कि अगर रेयरर से डेंसर जाता तो टुवार्ड्स द नॉर्मल वो बेंड कर जाता, ठीक है, अच्छी बात है। ए पार्ट में आओ, ठीक है, द लाइट रे बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, नहीं भाई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा, पहला तो गलत निकल गया है ना, अच्छी बात है। बी पार्ट में, द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस है ना, मतलब स्पीड ऑफ लाइट पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो अगर डेंसर मीडियम से आ रहा है तो डेंसर मीडियम क्या होगा, रेयरर मीडियम में क्या होता है कि ऑब्स्टेकल कम्स होते हैं, है ना। जैसे अगर आप ले लो पानी और ले लो आप वाटर, वाटर ले लो और ले लो एयर, है ना, पानी और वाटर, क्या बात है ना, वाटर और एयर ले लो, तो वाटर क्या होगा, कंपेयरली एयर के कंपेयर में ज्यादा डेंस है, तो वहां से जब लाइट पास कराओगे अपना तो बहुत ज्यादा लाइट को प्रॉब्लम होगा, इसके मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, उसके मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, उसको पास होने में प्रॉब्लम होगा। जबकि जैसे ही वो रेयरर मीडियम में आएगा, एयर में आएगा, तो वाटर के कंपेयर में तो कम लगेगा, यानी कि फटाफट से एयर जो है पास करेगा, तो उस केस में स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो डेंसर से रेयरर जाने में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाता है। जबकि अपोजिट केस, अगर रेयरर से डेंसर में आता है तो फिर उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम हो जाएगा, इसीलिए वो टुवार्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट कर जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर जाएगा जब बॉडी डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा। सी पार्ट में देखो क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट बड़ा है, नहीं, आर बड़ा है भाई, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बड़ा है कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी हमारा गलत हो गया। डी पार्ट में क्या है, इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस, नहीं, वेवलेंथ बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ रहा है ना, तो वेवलेंथ भी क्या होगा, बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, एक एक पार्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर रखना है कि कैसे, अगर ये हुआ तो क्यों हुआ, नहीं हुआ तो क्यों हुआ, है ना, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो आखिर रीजन क्या है, और अगर होता तो क्या होता, ठीक है, सब के बारे में हम लोग करने वाले हैं डिस्कस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में।